Sarigama Karwa with Harman Kardon Speakers. Karwa Classics Radio Show सुन रहे हैं आप. मैं हूं रुचि आपके साथ. अगर फिल्मों और गानों में मैजिक है तो उनसे जुड़े हिंदी सिनेमा के आर्टिस्ट्स के कारण, जो कोई मजिशियन से कम नहीं है. और हर हफ्ते मैं आपके लिए इन्हीं मजिशियंस के पर्दे के पीछे वाले सीक्रेट्स लेकर के आती हूँ. और साथ ही सारेगामा कारवा के 5000 एवरग्रीन गानों में से हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी फनकारों के गाने आपको सुनाती हूँ. शो शुरू करने से पहले ये बताना चाहूंगी कि सारेगामा कारवा एक ऐसा म्यूजिकल डिजिटल प्लेयर है जो सिर्फ पुराने गानों तक सीमित नहीं है. उसके USB, ब्लूटूथ, प्री इंस्टॉल्ड FM रेडियो और 150 से भी ज़्यादा डेली अपडेटेड वाईफाई ऑडियो स्टेशंस, इन्हीं सब फीचर्स के साथ आप अपने फेवरेट प्लेलिस्ट भी सुन सकते हैं. तो बस देर किस बात की है, आप भी बना लीजिए सारेगामा कारवा को अपना फेवरेट कंपेनियन मेरी तरह. वैसे आज जो प्लेलिस्ट मैं लेकर के आई हूँ वो उस फिल्म से है जिसमें स्क्रिप्ट और एक्टिंग बहुत ही दमदार थी और वो 1998 की 7th हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म भी बन गई थी. मैं बात कर रही हूँ इंडियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर दुश्मन की, जिसकी स्टारकास्ट थी काजोल, संजय दत्त और आशुतोष राणा, डायरेक्टर तनुजा चंद्रा एंड प्रोड्यूसर्स मुकेश भट्ट एंड पूजा भट्ट. इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने ही बहुत सराहा था. इनफैक्ट काजोल को उनके डबल रोल के लिए मल्टीपल अवार्ड्स भी मिले थे. लेट 90s के दौर में आई ये फिल्म बेस्ड थी औरतों के अगेंस्ट होने वाले वायलेंस पर, लेकिन इसकी खास बात थी द पावर ऑफ अ वुमन एंड हाउ शी डील्स विद सच सिचुएशंस. And I really liked how Kajol's role was written, like a strong-minded hero. वैसे ये फिल्म तनुजा चंद्रा जी की डेब्यू फिल्म थी एज अ डायरेक्टर. इससे पहले उन्होंने महेश भट्ट साहब के साथ में तमन्ना और जख्म में काम किया था, बट एज अ स्क्रिप्ट राइटर. लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि इस फिल्म से तनुजा चंद्रा कुछ ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी. उनके लिए ये फिल्म एक फेलियर थी, क्योंकि फिल्म के सेकेंड हाफ में इट कुंट रियली कैप्चर द ऑडियंस रिस्पॉन्स. सेकेंड हाफ में जो लव स्टोरी डाल दी गई थी वो उनके हिसाब से डिड नॉट रियली बिलोंग देयर. खैर, टू बी ऑनेस्ट, कोई भी फिल्म जिसमें वुमेन की स्ट्रेंथ्स को पोर्ट्री किया जाता है वो पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छी लगती है. वैसे आगे आपको बताऊंगी कि क्यों काजोल ने इस फिल्म का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उससे पहले चलिए सुनते हैं इसी फिल्म से वो गाना जो लता मंगेशकर जी और उदित नारायण जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया है. व्हाट अ हैप्पी सॉन्ग दिस इज. एंजॉय द सॉन्ग. सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ. तुमसे निगाहें
उन्हें चार करने लगे। हम जिंदगी से प्यार करने लगे, डरते न थे मौत से अब मगर डरने लगे। आवाज दो हमको, हम खो गए। कब नींद से जागे, कब सो गए। मर जाएंगे हम अगर दूर तुमसे हो गए। प्यार को हो जाने दो, प्यार में खो जाने दो। ऐतबार किसका है, इंतजार किसका है। अभी ना हुआ तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। प्यार को प्यार को हो जाने
दो। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। लेट 90s में काजोल लाइटर सब्जेक्ट्स पर काम करना चाहती थी, ना कि कोई इमोशनली ड्रेनिंग फिल्म में। उन्होंने डायरेक्टर तनुजा से डिस्कस भी किया था कि उन्हें ऐसी फिल्में करनी हैं जिसमें फन हो, मज़ा हो, दो तीन गाने वगैरह हो और कुछ एक आध दो उनके सीन्स हो बस। इसीलिए उन्होंने हलचल और गुंडा राज जैसी फिल्में की थी और इसीलिए दुश्मन फिल्म के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन एक दूसरी वजह यह भी थी कि फिल्म के एक सीन में काजोल को रेप विक्टिम की तरह दिखाया जाता है, जो वो नहीं बनना चाहती थी। वो रेप सीन के लिए एक्ट ही नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो उनके लिए काफी मुश्किल होता और सिचुएशन से वो कंफर्टेबल भी नहीं थी। इवन फॉर अ सिंगल शॉट शी जस्ट डिड नॉट वॉन्ट टू डू इट। काजोल ने इस फिल्म को सिर्फ इसलिए साइन किया था क्योंकि डायरेक्टर तनुजा और प्रोड्यूसर पूजा ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो उस सीन के लिए एक बॉडी डबल यूज करेंगे एंड ऑल्सो दैट सीन विल बी शॉट एस्थेटिकली, जहां काजोल का सिर्फ एक क्लोजअप शॉट लिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। अगर आप फिल्में देखेंगे तो बिल्कुल समझ भी नहीं आएगा कि मेकर्स ने उस सीन में एक बॉडी डबल को यूज किया है, क्योंकि उस सीन को इतने अच्छे से हैंडल किया गया था। सो कुछ इस तरह पहली बार रिजेक्ट करने के बाद भी दुश्मन फिल्म काजोल की वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स में से एक बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, तनुजा ने काजोल से ज्यादा आशुतोष राणा के साथ काम किया है। इसकी भी एक वजह है, बताऊंगी आपको जल्द ही, और साथ ही जानेंगे कि कैसे दुश्मन फिल्म में विलन का रोल आशुतोष को मिला। लेकिन उन सभी से पहले सुनाते हैं इस फिल्म से आपको जगजीत सिंह जी का ये गाना। एक ऐसा गाना है जो कि हर बार मेरी आंखें नम करके चला जाता है। सुनिए जरा।
चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हर दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं।
कहाँ ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सके और एंजॉय कर सके। वेलकम बैक टू द शो, कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। दुश्मन फिल्म आशुतोष राणा जी की पहली फिल्म थी इन अ लीड रोल, वो भी एज अ विलन। वैसे बचपन से ही आशुतोष राणा एक्टिंग करना चाहते थे। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग सीखने के बाद अपना करियर शुरू किया था एक टीवी शो से, जिसका नाम था स्वाभिमान। लेकिन हिज ब्रेकआउट रोल केम इन 1998 विद द फिल्म दुश्मन, जिसमें उन्होंने गोकुल पंडित पोस्टमैन का रोल निभाया था, जो कि एक सीरियल रेपिस्ट और किलर था। वैसे फिल्मों में फेम दोस्तों और शुभचिंतकों से मिलती है, लेकिन यहाँ आशुतोष को दुश्मन से वो फेम मिला। यानी दुश्मन फिल्म उनकी तकदीर में कुछ यूं लिखी हुई थी कि वो महेश भट्ट के साथ स्वाभिमान में काम कर रहे थे, उसके बाद तमन्ना फिल्म में कुछ दो तीन सीन का रोल किया, फिर महेश भट्ट जी ने उन्हें गुलाम में एक सीन करने के लिए कहा। अब आशुतोष राणा को क्या ही पता था कि वो एक सीन ही उन्हें दुश्मन फिल्म में इतना बड़ा रोल दिलवा देगा। वैसे ये रोल मिलने का अंदाजा भले ही उन्हें नहीं था, लेकिन ये बात वो समझ चुके थे कि कभी कभी अपॉर्चुनिटीज छोटी होती हैं, लेकिन परिणाम उसके बहुत बड़े होते हैं। तो परिणाम अगर बड़े चाहिए तो अवसर को कभी भी बड़ा नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए।
अवसर हो सकता है बहुत ही छोटा हो। आपसे कुछ ऐसा करवा देगा वो जिसमें कुछ ज्यादा दम ना हो, बट इवेंचुअली परिणाम बड़ा दे करके जाएगा। ऐसे थॉट प्रोसेस के कारण ही आई गेस आशुतोष राणा अपने नेगेटिव किरदार को पॉजिटिवली अप्रोच कर पाते थे, और उनके इसी ट्रेट के कारण डायरेक्टर तनुजा आशुतोष राणा को अपनी फिल्मों में बार बार कास्ट करती थी, क्योंकि आशुतोष कैरीड आउट हर कन्विक्शन टू परफेक्शन। दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को बहुत डीपली समझ पाते थे। सो जैसे डेविड धवन को गोविंदा के साथ काम करना पसंद था, राम गोपाल वर्मा को उर्मिला मातोंडकर के साथ, श्याम बेनेगल को रजत कपूर के साथ, वैसे ही आशुतोष राणा समहाउ फिटेड इनटू चंद्राज सेटअप परफेक्टली। जहां दुश्मन से आशुतोष ने वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विलन का टैग अचीव किया, वहीं काजोल ने भी बहुत कुछ सीखा और हासिल किया। बताऊंगी इस फिल्म में काजोल से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, लेकिन उसके पहले इस फिल्म से अगला गाना पेश है। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। क्या कोई सूरत इतनी खूबसूरत हो सकती है? हाँ हो सकती है। मैंने देखी है अपनी आँखों से, ओ अपनी आँखों से। क्या कोई सूरत इतनी खूबसूरत हो सकती है? हाँ हो सकती है। मैंने देखी है अपनी आँखों से, ओ अपनी आँखों से। कदम कदम पे इस अदा से यूं मचल रही है वो जमीन पर, नहीं कसम से दिल पे चल रही है वो। उसको देखा है जब से, पूछ रहा हूँ मैं सबसे। क्या कोई सूरत इतनी खूबसूरत हो सकती है? हाँ हो सकती है। मैंने देखी है अपनी आँखों से, ओ अपनी आँखों से। जरा जरा सा उसके जो करीब आ रहा हूँ मैं, तो मुझसे कह रहा है मेरा दिल के जा रहा हूँ मैं। उसको देखा है जब से, सोच रहा हूँ मैं तब से। क्या कोई सूरत इतनी खूबसूरत हो सकती है? हाँ हो सकती है। मैंने देखी है अपनी आँखों से, ओ अपनी आँखों से। ये मासूम चेहरा की फूलों का सेहरा, ये रंगीन नजरे की शायर की गजलें, ये दिलकश जवानी के आगोर पानी, ये जुल्फे परेशान के अबरे बहारा, ये खुशबू ही खुशबू, ये जादू ही जादू, ये लड़की अकेली या कोई पहेली। मांग लो उसको मैं रब से,
क्या कोई सूरत इतनी खूबसूरत हो सकती है, हाँ हो सकती है। आई होप यूर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। टुन्ना 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 हे टुन्ना 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 हे टुन्ना 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 tunna tunna he tunna 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 he tunna 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 he tunna tunna सब काट दिए नाम सब दिल की इस किताब से, काट दिए नाम सब दिल की इस किताब से, हमने कर ली दोस्तों दोस्ती शराब से, दोस्ती शराब से। सब दिल की इस किताब से, काट दिए नाम सब दिल की इस किताब से, हमने कर ली दोस्तों दोस्ती शराब से, दोस्ती शराब से। हाँ पीने लगे आजकल हम इसी हिसाब से, पीने लगे आजकल हम इसी हिसाब से, हमने कर ली दोस्तों दोस्ती शराब से, दोस्ती शराब से। हसीन ख्वाब से किस लिए जगा दिया, इस हसीन ख्वाब से हमने कर ली दोस्तों दोस्ती शराब से, दोस्ती शराब से। Bye.
गम भी तो है एक नशा, हम नशे में चूर हैं। गम भी तो है एक नशा, हम नशे में चूर हैं। ना किसी के पास है, ना किसी से दूर है, अब मिले हैं आप तो। हाँ अब मिले हैं आप तो, क्या कहें जनाब से। अब मिले हैं आप तो, क्या कहें जनाब से। हमने कर ली दोस्त तो, दोस्ती शराब से, शराब से। काट दिए नाम सब दिल की इस किताब से, काट दिए नाम सब दिल की इस किताब से। हमने कर ली दोस्त तो, दोस्ती शराब से, दोस्ती शराब से। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फिल्म दुश्मन को। मैं हूं रुचि आपके साथ। दुश्मन फिल्म से काजोल ने द आर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज सीखा, क्योंकि फिल्म में उनका डबल रोल था जिसमें दोनों ही रोल्स सिस्टर्स के थे। सो इट वाज लाइक कंपैरिजंस अगेंस्ट योरसेल्फ। इसीलिए उन्हें खुद से ये बेहतर करना था। ये फिल्म उनके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस थी। कई सारे सीन्स में डायलॉग्स भी नहीं थे और वो काफ़ी लंबे भी होते थे सीन्स, जिसके कारण उन्हें अपने बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से ही एक्सप्रेस करना सीखना पड़ा, दैट टू इन अ वेरी सटल वे। ऑल्सो अपने डबल रोल के लिए भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। दो अलग अलग लुक्स को कैरी करना वॉज नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क। इनफैक्ट एक लुक जिसमें उनका बॉब कट हेयरडू था, उनके हिसाब से उनका वर्स्ट लुक था, क्योंकि वो विग उस टाइम पर तो चल गई, लेकिन आज जब भी वो उस फिल्म को देखती हैं तो अपने लुक को देखना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे जानते हैं, फिल्म के शूटिंग के बाद आधी डबिंग ख़त्म होते ही काजोल दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गई थी, जिसकी वजह से डबिंग आर्टिस्ट मोना घोष शेट्टी ने उनकी डबिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द फिल्म कम्प्लीट की। वैसे क्या आप ये भी जानते हैं कि ये फिल्म सिर्फ काजोल के बलबूते पर प्रोड्यूसर पूजा भट्ट बना नहीं पा रही थी। उन्हें भी काफ़ी चीज़ों से डील करना पड़ रहा था मार्केट में, जिसके बारे में जल्द ही आपको बताऊंगी। पर उसके पहले सुनते हैं ये अगला गाना। सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो। Yeah.
आज के शो के सभी गाने आप सारे गामा कारवां से सुन रहे हैं। सारे गामा कारवां, इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। सरा यो यो यो, let the party begin। चलो कर ले धमाल।
कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। बात कर रहे हैं आज हम फिल्म दुश्मन की, पर मैं तो हूँ आपकी दोस्त रुचि आपके साथ। इस फिल्म में काजोल और आशुतोष के अलावा एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, और वो था संजय दत्त का रोल ऑफ मेजर सूरत सिंह राठौड़। इस रोल को बड़े बड़े स्टार्स ने रिजेक्ट कर दिया था, और पूजा भट्ट के लिए ये फिल्म रिलीज करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कोई भी मेल स्टार एक वुमन ओरिएंटेड फिल्म में काम करना ही नहीं चाहता था उस दौर में। ऊपर से एंड में भी लीड एक्ट्रेस ही ट्रिगर चलाती है। जब बड़े बड़े स्टार्स ने मना कर दिया, तब जाकर संजय दत्त को पूजा भट्ट ने यह फिल्म की स्क्रिप्ट बताई। संजय ने यह फिल्म सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो पूजा के बहुत अच्छे दोस्त थे और काफी रीजनेबल अमाउंट में काम करने को तैयार थे। वेल, ये संजय की पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक विजुअली इम्पेयर्ड मैन का किरदार प्ले किया था ऑन स्क्रीन, और मैं तो यही कहूंगी कि क्या खूब किया था। चलिए आइए सुनाते हैं आपको दुश्मन फिल्म से ये अगला गाना। लता जी का वर्जन है ये चिट्ठी ना कोई संदेश का, और अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड हाउ ब्यूटिफुली वॉज इट रिटन। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। चिट्ठी न कोई संदेश, हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। छुड़ा कर हाथ, कहां तुम चले गए।
चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले। कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हर हफ्ते हम कारवा क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।